जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए एनसीईआरटी बायोलॉजी 11वीं और 12वीं की कक्षाओं के लिए एक सीरीज चला रहा हूँ ऑन द यूट्यूब और फेसबुक पर, जिनसे हमारे बिहार के बच्चे काफ़ी लाभान्वित हो रहे हैं। मैं देख रहा हूँ ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी क्षेत्रों में जो बच्चे हैं, जो लॉकडाउन की वजह से अभी घर में हैं, उनकी पढ़ाई अनवरत चलते रहे, इसके लिए ये हमारा प्रयास है। स्टूडेंट्स, हम लोग जो है एनसीईआरटी 12th का अभी हम लोग इस क्लास में, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे, जो फर्टिलाइजेशन चैप्टर है। इससे पूर्व के वीडियो में आपने देखा होगा कि 3 इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने चर्चा किया था कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हम लोग इस चीज़ को भी डिस्कस किए थे कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होता है जब कोई ऑर्गेनिज्म एक प्यूबर्टी एज तक आता है, फिर उसके बाद उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए उसका शरीर फिजिकली मेंटली जब वो प्रिपेयर हो जाता है, हार्मोनल रूप से हर चीज़ से गैमेट बनना शुरू हो जाता है, तो वो जाके तब जाके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मेल और फीमेल का फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स आएगा। बट फर्टिलाइजेशन को हम लोगों ने आज इस चीज में उठाया है कि फर्टिलाइजेशन क्या है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स का भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो नौ डॉट ये जो यूनिट है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म, ये आप लोगों के लिए बेहतर होने वाला है। काफ़ी सारे क्वेश्चन इससे अराइज होते हैं इन द इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन और नीट के एग्जामिनेशन में भी। तो हम लोग जो है बिना विलंब किए हुए स्टूडेंट्स इस चीज़ को हम लोग देखते हैं कि हमने जो एनसीईआरटी से जो स्टेटमेंट लाए हैं वो यहाँ पे राइट डाउन किया गया। स्टूडेंट्स, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप एनसीईआरटी बायोलॉजी अगर बुक्स स्टॉल पे अवेलेबल नहीं है तो अपने फ्रेंड्स लोगों से कलेक्ट कर लें। आप एनसीईआरटी बायोलॉजी को ओपन करके रखें, हमारा वीडियो जैसे ही आपको मिलता है आप सब्सक्राइब कर ले चैनल को, और जैसे ही हमारा नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा एनसीईआरटी को ओपन कीजिए, ये टॉपिक को खोलिए, आपके सारे डाउट को हम क्लियर करेंगे। फिर अगर कुछ समस्या आपके पास रह जाती है तो आप कमेंट्स के माध्यम से हमारे पास भेजिए, हम उसका निसंदेह आपके सवालों का हम जवाब देंगे। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग एनसीईआरटी बायोलॉजी 12th का हम ये टॉपिक लिए हैं फर्टिलाइजेशन को। क्या कहता है एनसीईआरटी, इस चीज को हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि द मोस्ट वाइटल इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द फ्यूजन ऑफ गैमेट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि फर्टिलाइजेशन जो है वह मोस्ट वाइटल इवेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो नो डॉट फर्टिलाइजेशन वहां पे आएगा। फर्टिलाइजेशन इज सिंपली यू कैन से दैट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, ऑफ मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स, ये दोनों गैमेट का क्या है, ये फ्यूजन है। ठीक हो गया। दिस प्रोसेस कॉल्ड सिनगेम, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि फर्टिलाइजेशन का जो दूसरा नाम है वह सिनगेमी भी है। ये दोनों एक दूसरे से इंटरचेंज आप यूज कर सकते हैं। एनसीईआरटी ने इस चीज को भी क्लियर कर दिया है, हम लोग इस चीज में इस चीज को हमने यहाँ पे डायग्राम किया है, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो सिनगेमी ये इसको हम लोग कर सकते हैं। रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए डिप्लॉयड जायगोट, ये आपको ध्यान रखना है। ए डिप्लॉयड जायगोट अर्थात क्या, कि जायगोट हमारा एक बनेगा और वह भी डिप्लॉयड बनेगा, 2n बनेगा। क्या बनेगा हमारा, 2n बनेगा, यह आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। यह क्या बनेगा, ए डिप्लॉयड 2n जायगोट, यानी कि इसमें जो क्रोमोसोम की संख्या होगी वो दुगुनी होगी, क्योंकि जो हैप्लॉयड मेल भी और हैप्लॉयड फीमेल भी जब आपस में फ्यूजन करेंगे तो वह डिप्लॉयड बनाएंगे। क्लियर हो गया। द टर्म फर्टिलाइजेशन इज ऑल्सो यूज फॉर दिस प्रोसेस, अर्थात कि ये सिनगेमी को हम लोग फर्टिलाइजेशन भी कह सकते हैं, या फर्टिलाइजेशन को हम लोग सिनगेमी भी कह सकते हैं। ये एक दूसरे का नाम को इंटरचेंज करके हम लोग यूज कर सकते हैं, बट प्रोसेस यही है। इसमें फ्यूजन होता है किसका, तो मेल गैमेट का और फीमेल गैमेट का। क्लियर। नेक्स्ट है द टर्म फर्टिलाइजेशन इज ऑल्सो यूज फॉर दिस प्रोसेस, द टर्म सिनगेमी, सिनगेमी एंड फर्टिलाइजेशन आर फ्रिक्वेंटली यूज इंटरचेंजली। मतलब सिनगेमी को और फर्टिलाइजेशन को आप इंटर एक दूसरे के स्थान पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट स्टेटमेंट और प्रोसेस यही होगा कि सिनगेमी
और फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि बट इन सम ऑर्गेनिज्म, लेकिन कुछ जीवों में जैसे रोटिफर्स, जैसे हनी बी एंड सम लिजार्ड्स, कुछ कैटेगरी जो है लिजार्ड्स के, एंड बर्ड्स, द फीमेल गैमेट अंडरगोज डेवलपमेंट टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म, मतलब एक नया ऑर्गेनिज्म को बनाता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। ये आप पॉइंट टू बी नोटेड हियर है कि ये बिना फर्टिलाइजेशन का, विदाउट फर्टिलाइजेशन का एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं ये सब जीव, कौन, प्रोटिफर्स, हनी बी और कुछ लिजार्ड जो है, ये बिना फर्टिलाइजेशन के नए ऑर्गेनिज्म को का प्रोडक्ट रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर ये विदाउट फर्टिलाइजेशन है, इसको, इस घटना को, दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। पार्थेनोजेनेसिस है क्या? तो पार्थेनोजेनेसिस एक प्रोसेस है, इसमें कुछ जीव जो है नए जीव की उत्पत्ति कर देता है बिना फर्टिलाइजेशन का, बिना मेल और गैमेट का फ्यूजन हुए जो है एक नया संतति उत्पन्न कर देता है, नया ऑफस्प्रिंग उत्पन्न कर देता है। तो इस फेनोमेनन को हम लोग क्या कहेंगे? पार्थेनोजेनेसिस कहेंगे। क्लियर? और इससे जो उत्पन्न जीव होंगे वो पार्थेनोजेनेटिक ऑर्गेनिज्म कहलाएंगे। हमने इस चीज को थोड़ा सा यहाँ पे इलाबोरेट किया फर्टिलाइजेशन को, कि फर्टिलाइजेशन इज ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड सेकेंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अकर्स आउटसाइड द बॉडी, बट इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर्स इनसाइड द बॉडी। मतलब क्या हुआ कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में फर्टिलाइजेशन जो होता है वह जीव के बाहर होता है, एक्सटर्नल मीडियम में होता है, लेकिन इंटरनल फर्टिलाइजेशन में वह जीव के अंदर में फर्टिलाइजेशन होता है, अर्थात कि शरीर के अंदर जो है हमारा मेल गैमेट्स को जाना होता है। तो ये इंटरनल और एक्सटर्नल में थोड़ा सा डिफरेंशिएट है। हम लोग इसको थोड़ा सा और भी देखते हैं क्या कह रहा है एनसीईआरटी, क्या कह रहा है। एक्सटर्नल को हम लोग देखते हैं कि एम्फीबियंस, ध्यान देना है आपको, एम्फीबियंस, बोनी फिशेस एंड अल्गी, मेजोरिटी ऑफ अल्गी एम्फीबियंस बोनी फिश में इस तरह का एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि सेक्स रिलीज ए लार्ज नंबर ऑफ गैमेट इनटू द सराउंडिंग मीडियम, मतलब लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स जो है प्रोड्यूस होते हैं सराउंडिंग एनवायरमेंट में, वाटर में, इसको हम लोग समझ सकते हैं, टू इनहांस द चांसेस ऑफ सिंगेबी, मतलब फर्टिलाइजेशन की दर को बढ़ाने के लिए लार्ज संख्या में फीमेल और मेल गैमेट जो है प्रोड्यूस होते हैं। This happens in the bony fishes and frogs. ये bony fishes और frogs में ज्यादातर होता है, where large number of offspring are produced. जहाँ की large number of offspring जो है वो produce होते हैं। लेकिन इसमें disadvantage क्या है इस external fertilization का? NCERT कह रहा है कि disadvantage is that the offspring are extremely vulnerable to the predators, threatening their survival up to adulthood. इट मीन्स क्या हुआ कि लार्ज संख्या में जो मेल गैमेट का प्रोडक्शन होगा सराउंडिंग एनवायरमेंट लाइक वाटर में, तो ये जो ज्यादा मात्रा में जो ऑर्गेन उसका बनेगा वो एडल्टहुड आते आते तक इसमें बहुत सारे जीव जो है प्रेडेटिंग का शिकार रहता है, वो डेथ हो जाता है, किल कर दिया जाता है, तो बहुत ही कम संख्या में इसके ऑफस्प्रिंग जीवित रह पाते हैं एडल्टहुड तक आते आते। ये हमारा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। इसमें आपको एग्जांपल को खासा ध्यान में रखना है, इसका ये डिसएडवांटेज है। बट इंटरनल में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, इंटरनल क्या कह रहा है कि ह्यूमन बींग्स, मेमल्स कैटेगरी में जो भी आएंगे तो उसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। ह्यूमन बींग्स, हायर कैटेगरी जो एनिमल्स, बर्ड्स, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स फूल वाले पौधों में, जिम्नोस्पर्म बिना फूल वाले पौधों में, प्लांट्स जो होगा इसमें हमारा एक्स्ट्रा इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, इसमें हमारा आंतरिक फर्टिलाइजेशन होगा। इसमें क्या होगा, मेल गैमेट इज मोटाइल, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मोटाइल मींस होता है चलने वाला, चलायमान, गतिशील होगा जब, तो इसमें मेल गैमेट हमारा मोटाइल होगा। एग जो है हमारा शरीर के अंदर बनेगा, एग इज फॉर्म इनसाइड द बॉडी, मतलब बॉडी के अंदर जो है एग बनेगा। क्लियर हो गया? जो हमारा फीमेल सेक्स ऑर्गेन होगा वहां पे जो है एग जो बनेगा वो शरीर के अंदर बनेगा। नेक्स्ट है, सो गैमेट
हैज टू रीच द एग इन ऑर्डर टू फ्यूज विद इट। सो इसीलिए जो है अगर एग शरीर के अंदर बन रहा है तो हमको मेल गैमेट को शरीर के अंदर जाना ही पड़ेगा। तो शरीर के अंदर अगर जाएगा फिर वहां पे प्रक्रिया आएगी, क्या आएगी हम लोग देख लेते हैं। सो गैमेट हैज टू रीच द एग इन ऑर्डर टू फ्यूज विद इट। नेक्स्ट है इन सीड प्लांट्स, बीज वाले पौधों में द नॉन मोटाइल मेल गैमेट, नॉन मोटाइल आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सीड प्लांट्स में नॉन मोटाइल मतलब वो मोटाइल नहीं है, गतिशील नहीं है। अगर मोटाइल बोलेंगे तो वो गतिशील है, लेकिन अगर नॉन मोटाइल बोल देंगे तो वो गतिशील नहीं है। तो नॉन मोटाइल मेल गैमेट आर कैरिड टू फीमेल गैमेट बाय पोलन ट्यूब, मतलब पोलन ट्यूब के माध्यम से वो नॉन मोटाइल गैमेट को जो है हम लोग एग तक लाते हैं, किसमें प्लांट्स। स्टूडेंट्स एक बार फिर हम इसको देख लेते हैं, ये हमारा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। फर्टिलाइजेशन जब होगा तो उसके लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए, तो क्योंकि इसमें एम्फीबियंस और बोनी फिशेस अलगी ये सब एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, तो ज़्यादातर इसके जो सराउंडिंग वाटर सराउंडिंग मीडियम होंगे वो वाटर होंगे, इसीलिए सभी जो है ज्यादा मात्रा में अपना गैमेट्स को रिलीज करते हैं ताकि ज्यादा मात्रा में इसके ऑफस्प्रिंग बने। और ज्यादा मात्रा में बनने के कारण होता क्या है कि जो समुद्री जीव होते हैं इसके जो नवजात ऑफस्प्रिंग होते हैं उसको किल कर जाते हैं, इसीलिए इस इंटरनल एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का ये डिसएडवांटेज है। लेकिन इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्योंकि एग हमारे शरीर के अंदर बनता है, इसीलिए जब अंदर बनेगा तो मेल गैमेट को अंदर जाना पड़ेगा, तो वो स्थिति उत्पन्न होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना पड़ता है, जिसमें कि हमारा मेल गैमेट वो एग तक पहुँचता है फॉर फ्यूज विद एग, एग के साथ फ्यूज करने के लिए। तो ये हमारा इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। और हम लोगों ने एनसीईआरटी बायोलॉजी 12th को हम लोग इनको पढ़े हैं, इसका जैसे ही हम लोग जाएं निकलेंगे तो हम लोग एमसीक्यू भी करेंगे, जो आपके बिहार इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2021 के साथ साथ जो नीट का एग्जाम है उस